नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। औरंगाबाद में जनता से रूबरू रहे सीएम नीतीश, महागठबंधन ने जारी किया घोषणा पत्र। बिहार में चुनावी सरगर्मियों के बीच आज भी रैलियों का दिन रहा। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवीनगर नोखा के राजपुर, करघर और दिनारा में जनता से रूबरू रहे, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव बांका जिला के अमरपुर, रजौन, बांका कटोरिया व बेलहर जमुई के झाझा तथा मुंगेर के ततारपुर में आज महागठबंधन के घटक दलों ने साझा घोषणा पत्र जारी किया। बांकीपुर से सुषमा साहू का नामांकन भी रद्द। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगी पुष्पम प्रियम चौधरी। पुलर्स पार्टी वाली पुष्पम प्रियम चौधरी को चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी का कैंडिडेट मानने से इनकार कर दिया है। पटना के बांकीपुर से चुनाव लड़ रही पुष्पम प्रियम चौधरी को निर्दलीय उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। पटना जिला निर्वाचन कार्यालय में उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई थी, उसमें पुष्पम प्रियम चौधरी को निर्दलीय उम्मीदवार दिखाया गया है। मीडिया के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे राजद नेता। 5 साल की मेहनत के बाद भी नहीं मिला टिकट। बिहार में महागठबंधन की राजनीति चल रही है। गठबंधन होने की वजह से कई ऐसे सीट हैं जिस पर पॉलिटिकल पार्टी के नेता 5 सालों से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बंटवारे में वो सीट दूसरी पार्टी को चली गई, जिसके बाद वहाँ के वास्तविक दावेदार हाथ मलते रह गए। सीट सहयोगी दल के खाते में जाने के बाद नेताओं का रो रो कर बुरा हाल है। अब तक कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जहां टिकट कटने के बाद नेता रो रहे हैं। रक्सौल के बीजेपी कैंडिडेट के भाई के आवास पर छापेमारी। करीब 10 करोड़ का सोना बरामद। बिहार के रक्सौल के भाजपा उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा के भाई के घर पर छापेमारी की गई है। प्रमोद सिन्हा के भाई अशोक सिन्हा के घर पर नेपाल पुलिस ने छापेमारी की है, जिसमें 23 किलो सोना बरामद किया गया है। प्रमोद सिन्हा के भाई अशोक सिन्हा के वीरगंज स्थित आवास पर छापेमारी हुई है, जिसमें 10 करोड़ का सोना बरामद किया गया है। भाजपा ने चिराग पासवान को कहा, आप भ्रम ना फैलाएं, लोजपा अब एनडीए में नहीं, महागठबंधन तो अपवित्र है। भारतीय जनता पार्टी ने लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान को एक बार फिर साफ तरीके से कह दिया है, आप भ्रम ना फैलाएं, आप अब एनडीए में नहीं हैं। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने एक बार फिर स्पष्ट रूप में कह दिया है, चिराग पासवान हमारे साथ नहीं है, वह चाहे जो भी कर रहे हों, लेकिन अब वे पूरे तौर से एनडीए से अलग हो चुके हैं। दरअसल बीजेपी की तरफ से आज विश्व चुनाव को लेकर मोदी लहर सॉन्ग और ई कमल वेबसाइट लॉन्च किया गया है। तेजस्वी का नीतीश पर फिर से हमला। कहा, वर्तमान सरकार से जनता हो चुकी है त्रस्त। बांका में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अमरपुर विधानसभा के भड़को गांव में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य से नीतीश के कुशासन को हटाना है ताकि जनता को राहत मिल सके। लोग अब नीतीश सरकार को नहीं देखना चाहती, अब यहां की जनता बदलाव चाहती है ताकि लोग बिहार में विकास देख सके। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। महादलितों का चुनाव में वोट करने से इनकार। कहा, नाला रोड नहीं तो वोट नहीं। चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की ओर से सिर्फ विकास करने की बात कही जाती है, लेकिन यह विकास जब लोगों को नहीं दिखता तो वह ठगा महसूस करते हैं। ऐसी ही एक बागनी देखने को मिली है सीतामढ़ी जिले के रीगा विधानसभा और सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र के रामपुर परोड़ी गांव के वार्ड नंबर 14 के महादलित टोले में, जहां ना तो सड़क है और ना ही नाला। लोगों ने हाथों में बैनर और हाथों में स्लोगन की तख्ती लेकर जनप्रतिनिधियों से कहा कि रोड नाला नहीं तो वोट नहीं।
रेलवे ने दी खुशखबरी, दशहरा दिवाली को लेकर 24 स्पेशल ट्रेन आज से शुरू। इंडियन रेलवे ने अक्टूबर महीने में त्योहारी सीजन को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसी कड़ी में पश्चिम रेलवे ने कहा कि दशहरा और दिवाली के मद्देनजर यात्रियों को सुविधा के लिए 12 जोड़ी यानी 24 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी जो 156 फेरे लगाएंगी। पश्चिम रेलवे ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेन में से 5 जोड़ी बांद्रा टर्मिनल से, 2-2 जोड़ी इंदौर और उधना से चलेंगी, जबकि 1-1 जोड़ी ओखा, पोरबंदर और गांधीधाम स्टेशनों से चलेंगी। रेलवे के मुताबिक ये सभी गाड़ियां पूरी तरह आरक्षित होंगी। बिहार में जमीन हड़पने वाले किसान की कर रहे बात, महागठबंधन पर किसानों को नहीं है भरोसा। महागठबंधन के बदलाव संकल्प पत्र पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने हमला बोला है। मोदी ने कहा कि जो जमीन हड़पने वाले लोग हैं वह आज किसानों की बात कर रहे हैं। सीपीआई और माले का नारा ही था कि जमीन हड़पो और जमीन हड़पने का काम करते थे, आज किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों पर किसानों को भरोसा नहीं है। बिहार में फिर मिले कोरोना के 1173 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,30,060। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1173 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,30,060 हो गई है। बिहार में फिलहाल 11,822 कोरोना के एक्टिव मरीज शामिल हैं।